तो यूएन में पीएम मोदी का संबोधन आप सभी ने सुना, क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने? कहा मेरी सरकार को पहले से ज्यादा जनादेश मिला, हमने अपने नागरिकों का हक पक्का किया। जनादेश से निकला संदेश जनादेश से भी बड़ा, भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभियान चल रहा है, इस बात का जिक्र किया इस अधिवेशन में। 74वें अधिवेशन में भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करना है, 15 करोड़ घरों को जलापूर्ति से जोड़ा जाएगा, नए भारत में तेजी से बदलाव आ रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र के 74वें अधिवेशन में। दुनिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री ने बहुत बातों का जिक्र किया, हमारी नीति सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबसे बड़ी बात हम उस देश के वासी हैं जहां जिस देश ने दरअसल युद्ध नहीं बुद्ध दिए, यानी कि शांति का संदेश दिया, अमन का रास्ता दिखाया, ना सिर्फ भारत में दुनिया भर में। 74वें अधिवेशन में अभी बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटे हैं, बहुत सी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है भारत में, एक उभरता हुआ भारत जो विकासशील देश कहा जाता है, लेकिन उसने आईना दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है दूसरे विकासशील देशों को या फिर विकसित देशों को भी, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत जोड़ा गया है।